जुड़ो तो चैनल, चलिए देखते हैं आज का जीव जी का पीओटीडी क्या है। क्वेश्चन है लार्जेस्ट नंबर फॉर्म्ड फ्रॉम एन एरे, ठीक है। कंपनी पेटीएम, जोहो, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब में आ चुका है। तो क्वेश्चन मीडियम लेवल का है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक हमें एरे गिवन है, उसमें कुछ एलिमेंट्स गिवन है, उन एलिमेंट्स को हमें कॉन्केटिनेट करना है और कॉन्केटिनेट करके बताना है कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा फॉर्म हो रहा है, ठीक है। इतना सा क्वेश्चन है। हाँ, तो इस एग्जाम्पल को उठाते हैं और अपनी स्क्रीन पर पहुँच जाते हैं, हमें करना क्या है वहाँ देखते हैं, ठीक है। तो क्या है एग्जाम्पल में, 3, 30, 34, 5 एंड 9, ठीक है। ये हमारे क्या हैं, एरे के एलिमेंट्स हैं। अब इन एलिमेंट्स को हमें जोड़कर एक नंबर बनाना है। नंबर कैसे बन जाएगा, लाइक इसको इनको कॉन्केटिनेट करना। लाइक अगर मैं 3 और 30 को कॉन्केटिनेट करूँ तो 330 बन जाएगा। इसके साथ 34 को जोड़ूँ तो ये नंबर बन जाएगा, 5 को जोड़ूँ ये बन जाएगा, 9 को जोड़ू ये बन जाएगा। लेकिन क्या लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर है? नहीं, लार्जेस्ट पॉसिबल नहीं है। इससे भी ज़्यादा नंबर, इससे भी ज़्यादा बड़े नंबर पॉसिबल्स हैं। वो कैसे हैं कि अगर देखो यार, सबसे शुरू में 9 आए, अगर सबसे शुरू में 9 आए तो वो ज़्यादा बड़ा नंबर होगा ना। तो 9 अगर मैंने ले लिया तो ये ठीक है। अब इसके बाद देखो, अब 9 के बाद सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? ये तो 3 है, ये 30 है, 34 है। मैं किसको जोड़ूँ? 5 को जोड़ूँ, ठीक है। 5 को जोड़ दिया। अब मैं 30 या 34 में ऐसे किसको जोड़ूँ कि नंबर बना ज़्यादा है? 30 या 34 में से किसको जोड़ूँ? तो ऑब्वियसली मैं 34 को जोड़ूंगा, ठीक है। 34 को जोड़ूंगा। उसके बाद अब मैं किसको जोड़ूंगा, ठीक है। उसके बाद अब मैं किसको जोड़ूंगा, अब मैं 3 और 30 में से किसको जोड़ूंगा? 30 बड़ा है, लेकिन हमें क्या करना है, कॉन्केटिनेट करना है, ठीक है। अगर मैं 30 को पहले रखता हूँ और फिर 3 को रखता हूँ तो ये नंबर बना, और मैं अगर 3 को पहले रखता हूँ 30 को बाद में रखता हूँ तो ये बन रहा है 303, ये बन रहा है 330, ठीक है। ये अगर मैं 3 और 30 को जोड़ूंगा तो 330 बनेगा, और 30 और 3 को जोड़ूंगा तो 303 बनेगा। तो कौन सा नंबर बड़ा है? ये वाला नंबर बड़ा है, तो इसको कॉन्केटिनेट करूंगा ना। तो बस देखो, पूरे एरे में हमें इसी तरीके से देखना है कि हमें किस नंबर को कॉन्केटिनेट करना है, और उसमें हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, ठीक है। हम क्या करते हैं, अपनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सॉर्टिंग फंक्शंस भी बनाते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, सॉर्टिंग फंक्शन भी बनाते हैं। तो उन फंक्शंस को कैसे बनाते हैं, हमारा स्टैटिक टाइप का बूल फंक्शंस होते हैं, ठीक है। जो हम उसमें शॉर्टिंग में, मतलब कभी भी किसी भी क्वेश्चंस में अगर यूज़ करना हो तो इस तरीके से बनता है। कंपेयर नाम दे दो नाम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, दो स्ट्रिंग को मैं पास कराता हूँ, ठीक है। कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग ए और कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग बी, ठीक है। अब इसमें ये क्या रिटर्न करता है, ये कंपेरिजन करके आंसर रिटर्न करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये 5 है और ये 9 है, इसमें बस कुछ नहीं करना, डायरेक्ट क्या करना है, रिटर्न S1 + S2 > S2 + S1, ठीक है। ये इतना सा फंक्शन है, लेकिन अब इसका काम क्या है मेनली वो समझ लेते हैं, ठीक है। ये तो कोड में दिख ही जाएगा, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब इसका काम क्या है, हम सॉर्टिंग फंक्शन में क्या काम करते हैं, जब हम कंपेरेटर लगाते हैं सॉर्टिंग फंक्शन में, तो वो क्या करता है, देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि S1 + S2 > S2 + S1, हमें क्या रिटर्न करना है, जो नंबर बड़ा है, ठीक है। मान लो ये क्या है, 3 और 30 है, तो ये क्या करेगा, 3 और 30 को जोड़ेगा और 30 और 3 को जोड़ेगा, तो इनमें से जो बड़ा होगा ना उसको रिटर्न कर देगा, ठीक है। 3 और 30 में कौन बड़ा है, 3 और 30 में, 3 और 30 को जोड़ा तो 330 बना, 30 और 3 को जोड़ा तो 303 बना, तो कौन बड़ा है, 330 बड़ा है, ठीक है। तो 330 बड़ा है, तो ये ऐसे रहेगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर देखो, अगर 30 और 34, ये है क्या है, 30 34 है, ठीक है। ये इसी तरीके से कॉन्केटिनेट होगा तो 330 बनेगा। अब मैं 3 और 34 को अगर मैं देखूं तो क्या आएगा, 334 बड़ा है या 343 बड़ा है, ठीक है। 334 बड़ा है, अगर मैं 3 और 34 को लूँ, 34 और 3 को लूँ, तो कौन बड़ा है, 3 और 34 में कौन बड़ा है, 34 और 3 में कौन बड़ा है, तो ये बनेगा 334, ये बनेगा 343। तो ऑब्वियसली 343 बड़ा है, तो इसको क्या कर देगा, ये 343 रिटर्न करेगा, ठीक है, ना कि 334। इसी तरीके से अगर मैं 5 और 9 को कॉन्केटिनेट करूँ, 9 और 5 को कॉन्केटिनेट करूँ, तो क्या करेगा, ये कॉन्केटिनेट करके देगा 9 और 5 को। तो इसी तरीके से सारी वैल्यूज़ को कंपेयर करेगा, ठीक है, कॉन्केटिनेट करके सारी वैल्यूज़ को कंपेयर करेगा, जो वैल्यू ज़्यादा बड़ी आएगी उसको रिटर्न करेगा, ठीक है, उसको रिटर्न करेगा। और इसके हिसाब से जो फाइनल एरे बन जाएगा वो क्या बनेगा, देखो सबसे पहले किसी भी नंबर को तुम जोड़ो, लाइक 3 और 30 को जोड़ के तो 330 बना, 30 और 3 को जोड़ 303 बना, फिर इसके साथ 34 लगाओगे
330 और 34 को जोड़ेंगे तो ये बनेगा, और 34 को आगे लगाओगे तो 34 और 330 बनेगा, ठीक है, इस तरीके से चलेगा। उसके बाद अगर 5 को जोड़ोगे तो 5 को पीछे जोड़ो या आगे जोड़ो, तो 5 आगे जोड़ेगा, फिर 9 को आगे जोड़ो, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इस तरीके से हमारा कंपेरिजन करके हमारा फाइनल एरे में कौन कौन से नंबर आएंगे, 9, 5, 34, 34, 3 और 30, ठीक है। इस तरीके से ही हमारे फाइनल एरे में नंबर आएंगे। जब फाइनल एरे में ये वाले हमारे नंबर आ जाएंगे, इसको बस मुझे क्या करना है कि स्ट्रिंग आंसर ले लूँगा, ठीक है, या रिजल्ट ले लूँगा, उसके बाद इसको क्या कर दूंगा, बस ऐड कर दूंगा कि 9 + 5 + 34 + 3 + 30, ठीक है, और ये हमारा फाइनल स्ट्रिंग बन जाएगा। बस इतना ही काम है हमारा सॉर्टिंग फंक्शन का। आई होप ये चीज़ समझ आई हो। अब चलो इसका कोडिंग कोड दे। तो यहाँ पर देखो हमने क्या करा, स्टैटिक कंपेरेटर फंक्शन मतलब ये बना लिया शॉर्टिंग के लिए, ठीक है। अब उसी कंपेरेटर के हिसाब से हमने इसको क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने के बाद जैसे ये 3, 30, 34, 5, 9 में कंपेरिजन करेगा, 3 और 30 को जोड़ेगा तो क्या बन सकता है, 330 बनेगा, 30 और 3 को तो 303 बनेगा, तो 330 ज़्यादा सही है, ठीक है, 330 ले लेगा। फिर 34 को मतलब ये सारा क्या करेगा, सबको कंपेरिजन करने के बाद एक फाइनल एरे हमें बना के दे देगा, क्या कि 9, 5, 9, 5, 34, 3, 30, इस तरीके से जो भी हमारा बनेगा, ठीक है। अब ये हमारा क्या होगा, फाइनल एरे होगा, और उसके बाद हमें क्या करना है, सॉर्ट करने के बाद रिजल्ट में इन सारे वैल्यूज़ को कॉनकैटिनेट कर देना, और हमारा नंबर बन जाएगा ये वाला, और हमारा काम डन। अब इसको सबमिट करते हैं। आई होप आपको ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ आया हो। इफ इन केस यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। और यार अभी 2-3 दिन वीडियो नहीं आ पाएगी किसी काम की वजह से, तो आई विल मेक श्योर कि मैं कोशिश करूँ कि अगर वीडियो ना भी आ पाए तो मैं पोस्ट के जरिए उसका सॉल्यूशन पोस्ट करने की कोशिश करूँ। तो चलो यार इसी के साथ वाइंड अप करते हैं गाइस, थैंक यू।